दोस्तों कैसे हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं टाटा का जो पानी वाला कंप्रेसर हेड होता है उसको किस तरीके से रिपेयर करते हैं, उसके अंदर किस तरीके से रिंग डाली जाती है, जो आपका पाइप है जिसके अंदर से प्रेशर बाहर आता है उसके साथ ऑयल आना स्टार्ट हो चुका है, तो जो है आपका रिंग डाउन होने पर ही यहाँ पर ऑयल आता है, तो उसको किस तरीके से रिपेयर करते हैं, रिंग इसके अंदर किस तरीके से डाली जाती है, यही इस वीडियो में मैं आपको जो है पूरा दिखाने वाला हूँ। इसका जो ऑयल उठाने का मेन कारण है वो है आपका एयर फिल्टर। अगर आप अपने एयर फिल्टर को समय समय पर साफ नहीं करते हैं तो इसके अंदर मिट्टी जाने की वजह से जल्दी ख़राब होता है, इसकी जो रिंग है जल्दी कट जाती है, क्योंकि एक पाइप जो है इसका आपके एयर फिल्टर साथ कनेक्ट होता है जिससे ये सांस लेता है। अगर उसके अंदर मिट्टी जाती है, अगर आप एयर फिल्टर अपना समय पर साफ नहीं करते हैं, समय पर चेंज नहीं करवाते हैं, तो ये दिक्कत होती है, आपको इंजन को भी दिक्कत हो सकती है, साथ ही कंप्रेसर को भी मिट्टी की जाने की वजह से ही दिक्कत होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ आप किस तरीके से उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इसे खोल कर रखा हुआ है, जो इसका सामान है हमने उसकी पूरी तरीके से सफाई करके यहाँ पर तैयार करके रखा हुआ है। हम अब जो है इसके फिटिंग जो है करने वाले हैं। यहाँ पर पूरा सामान हमने खोल कर आपको नहीं दिखाया कि क्यों, खोलना आसान है, फिटिंग हम आपको इस वीडियो में पूरी दिखाने वाले हैं। यहाँ पर हमने सभी सामान को जो है साफ़ करके डीजल की मदद से अच्छी तरीके से सफाई करके यहाँ पर रखा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो रिंग यूज़ किए हैं वह हैं उषा कंपनी के, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका बोर है, जो आपकी बॉडी होती है, उसके अंदर आपको रिंग डालकर चेक करना है इस तरीके से। जो रिंग का जो कट होता है उसके अंदर ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, उस जगह पर आपको हल्का सा पिस्टन से इसे नीचे दबा देना है तो ये बराबर जो है अंदर चला जाएगा। उसके बाद इस तरीके इतना गैप जो है आपके बोर में होना चाहिए, अगर बोर कटा हुआ होगा तो उसके अंदर जो गैप ज़्यादा आएगा, इसका जो रिंग का कट होता है उसके अंदर ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर बोर कटा हुआ है तो उसके अंदर ज़्यादा गैप शो होगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर अपने पिस्टन के अंदर रिंग इस तरीके से डालनी है। यह सबसे नीचे वाला जो रिंग होता है ये ऑयल वाला रिंग बोलते हैं, जिसके अंदर तार वाली एक रिंग होती है। ये नीचे वाला जो ग्रुप है, जो नीचे वाला आपका गैप है, इसके अंदर जो है आपको ऑयल वाली रिंग डालनी है, सबसे नीचे वाला जो ग्रुप है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर इसके अंदर रिंग डाल देनी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो इसका तार वाला मुंह होता है वो दूसरी साइड में होना चाहिए, जो उसके अंदर ऊपर रिंग लगती है वो उसके दूसरी साइड में होना चाहिए। यहाँ पर इस रिंग के ऊपर हल्का सा कलर लगा हुआ था, उसी के सामने आपको ये इसका मुंह कर देना है। जो ऊपर वाली जो दो रिंग है ये सेम रिंग होती है, इसको आप ऊपर नीचे दोनों खाँचों में किसी में भी डाल सकते हैं। इसका जो कट होता है आपको ध्यान रखना है, ये जो रिंग का अंदर जो कट होता है वो नीचे की साइड में आपको देना है, बाकी ऊपर की जो ये दो रिंग है वो बिल्कुल सेम होती है। आप इसको किसी भी रिंग को दोनों में से किसी भी ग्रुप में डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों रिंगों की जो कट होता है वो आपको नीचे की साइड रखना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके अंदर जो है कट होता है एक साइड में, वो आपको नीचे की साइड में रखना है, तभी ये काम करेगा और ये ऑयल नहीं उठाएगा। तो इस तरीके से जो आपको इसके अंदर रिंग डालनी है अपने पिस्टन के अंदर। उसके बाद आपको सफाई करने के बाद जो है इसके अंदर ऊपर आपको हल्का सा ऑयल लगाना है, इसको अच्छी तरीके से साफ़ करना है। इसके अंदर मिट्टी रेत वगैरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ तरीके से आपको ये फिटिंग करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसको रेत मिट्टी वगैरह इसके अंदर चली जाती है तो फिर ये कट जाएगा, क्योंकि इसका ये है पॉलिश होती है, इसके अंदर जो कचरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको हल्का सा ऑयल इसके ऊपर डालना है, रिंगों के ऊपर जो आपका बोर है उस पर भी आपको हल्का सा ऑयल लगा लेना है, पिस्टन के ऊपर एंड बोर के अंदर ऑयल इस तरीके से आपको जो है लगा लेना है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, अब आपको जो रिंग इसके अंदर बोर के अंदर फिटिंग करने का तरीका है वो भी जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो इसके अंदर जो रिंगे हैं, जो आप पिन देख रहे हैं साइड, जो कि गजन पिन है, इसकी साइड में आपको किसी भी रिंग का कट नहीं करना है, ना ही आपको दो रिंगों का रिंग जो है इसका जो कट है आमने सामने की जो है साइड नहीं रखना है। कुछ इस तरीके से आमने सामने कोई भी रिंग का मुँह आपको नहीं देना है, ना ही गजन पिन की साइड आपको देना है। तो आपको इस तरीके से रखना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आमने सामने कोई भी रिंग का हमारा मुँह ना हो, एक रिंग का मुँह आप दूसरी साइड में रखेंगे, गजन पिन की साइड आपको कोई भी जो है पिन का जो रिंग का जो कट है वो नहीं करना है। गजन पिन की साइड तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ना ही आपको दोनों रिंगों के जो कट होते हैं आमने सामने करने हैं। उसके बाद आपको इस तरीके से जो इसके अंदर इसे डाल देना है। यहाँ पर जो है आप रिंग क्लिप का ज़रूर यूज़ करें,
वरना आप रिंग को तोड़ सकते हैं, रिंग जो है टूट सकती है। अगर आप पेचकस की मदद से इसको अंदर डाल भी सकते हैं, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप पेचकस से भी इसको फिटिंग कर सकते हैं, वरना आप रिंग क्लिप का जो है यूज़ कर सकते हैं। तो हम भी जो है रिंग क्लिप का ही यूज़ कर रहे हैं। जो छोटा कंप्रेसर होता है उसको आप पेचकस से भी उसके अंदर रिंग फंसा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है आपको रिंग क्लिप ही यूज़ करना चाहिए, उससे आपके रिंग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, रिंग टूटने का डर नहीं रहेगा। Thank you.
दोस्तों यहाँ पर जो हमारा कंप्रेसर हेड है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमने इसे रेडी कर दिया है। तो इस तरीके से जो है आप अपने कंप्रेसर हेड को रिपेयर कर सकते हैं, उसके अंदर रिंग डाल सकते हैं। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको सिर्फ ध्यान रखना है आप अपना ईयर फिल्टर अच्छी तरीके से समय पर साफ़ करें। अगर ब्लॉक हो जाता है तो आप उसको समय पर चेंज भी कराएँ। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो और हमारा ये काम आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप किसी और टॉपिक पर किसी और काम की वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाने की। तो अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की वीडियो जो है हमारे इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी आपकी गाड़ियों से जुड़ी हुई।